Hi everybody, welcome to my channel back, E-Square for you. Today I'm going to discuss international economics subject, and under international economics we study the international trade. इंटरनेशनल ट्रेड ऑब्वियसली सबको पता होगा कि फॉरेन के साथ हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कैसा रहता है. ये इंटरनेशनल ट्रेड की डेफिनेशन, इट इज़ एक्सचेंज ऑफ कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स और टेरिटरीज. अब इन इंटरनेशनल ट्रेड को समझने के लिए हमें कुछ ईजी थ्योरीज मिली हुई हैं जो बहुत फेमस हैं, वो हम पढ़ेंगे, जैसे कि मर्केंटलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, हेक्शरोलन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, न्यू ट्रेड एंड द पोर्टर्स डिमांड डायमंड थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. अब इसके अंदर मर्केंटलिज्म तो एक ज़ीरो सम गेम थी जिसके अंदर काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड होता था, जिसमें कुछ गेन नहीं हो पाता था. सो पॉसिबली उसको बहुत प्रायोरिटाइज नहीं करा गया था. सो द फर्स्ट थ्योरी टू डिस्कस इज द हाइलाइटेड वन, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी. द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी वॉज पब्लिश्ड बाई एडम स्मिथ इन हिज फेमस बुक वेल्थ ऑफ नेशंस इन 1776. एडम स्मिथ का हेयर स्टाइल कितना सेक्सी लग रहा है ना, बड़े रोलर्स लगाने पड़ते होंगे ना डेली. Getting back. Introduction. According to Adam Smith, who is regarded as the father of modern economics, countries should only produce goods in which they have an absolute advantage. मतलब कि according to Adam Smith वो ये कह रहे हैं कि countries को सिर्फ वही goods produce करने चाहिए जिनमें उनकी absolute advantage है. But what is absolute advantage? एब्सोल्यूट एडवांटेज होती है जब आप किसी चीज़ को दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में लोअर कॉस्ट में बना सकें, क्योंकि आपके पास उसके रिसोर्सेज ज़्यादा हैं या स्पेशलाइजेशन ज़्यादा है. दैट्स व्हाई व्हेन अ प्रोड्यूसर हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज, इट ऑल्सो मीन्स दैट फ्यूअर रिसोर्सेज, लेसर कॉस्ट एंड लेस टाइम आर नीडेड टू प्रोवाइड द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एज कम्पेयर टू द अदर प्रोड्यूसर. This greater overall efficiency in production creates an absolute advantage which allows for the beneficial trade to happen. Now coming on to assumptions, the first one, the trade is between two countries. इस मॉडल में हम खाली टू कंट्रीज को ही अज्यूम करेंगे, जैसे कि USA and India. First I was going about to say just China and India, but I'm hating China right now. सेकेंड, ओनली टू कमोडिटीज़ आर ट्रेडेड. इस मॉडल में खाली दो कमोडिटीज़ का ही हम ट्रेडिंग दिखाएंगे आपस में, जैसे कि वीट एंड क्लॉथ. अगर हम फर्स्ट और सेकेंड अजम्पशन को कंबाइन करें तो हमारे पास टू इंटू टू मॉडल आ जाएगा, टू कंट्रीज इंटू टू गुड्स. थर्ड, फ्री ट्रेड एग्जिस्ट बिटवीन द कंट्रीज, मतलब कि हमारे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर कोई भी कस्टम ड्यूटी टाइप या कुछ भी टैक्सेस नहीं लगेंगे, इट वुड बी फ्री. फोर्थ, द ओनली एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर, मतलब कि USA में भी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सिर्फ लेबर से बन रहा है, और इंडिया में भी जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सिर्फ लेबर से बन रहा है. देर इज़ नो अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ लीडिंग टू द कॉस्ट. फिफ्थ, ही अज्यूम दैट लेबर वॉज मोबाइल विद इन अ कंट्री बट इमोबाइल विद इन द कंट्रीज, मतलब कि USA की लेबर इंडिया नहीं जा सकती, वो USA में ही रहेगी, और इंडिया की लेबर USA में नहीं जा सकती और वो अपना इंडिया में ही गुड्स प्रोड्यूस करेंगे. द लेबर इज़ इमोबाइल. चलेगा. नाउ द पॉइंट इज़ कि हमें ये चीज़ श्योर करनी है अपने मॉडल के लिए कि दोनों कंट्रीज़ को एब्सोल्यूट एडवांटेज किसी न किसी एक गुड में हो रही है जिससे वो ट्रेड कर सके. वो हमें पता कैसे चलेगा? लेट्स सी. Achieving an absolute advantage. An absolute advantage is achieved through a lower cost production. In other words, it refers to an individual company or country that can produce at a lower marginal cost. मतलब कि दूसरी country के comparison में वो good कम cost पर produce हो पा रहा है. Such an advantage is established compared to the other competitors when few materials are used to produce a product, cheaper materials are used to produce a product, thus a lower cost. Few hours are needed to produce the product, cheaper workers are in terms of hourly wage used to produce a product. मतलब कि हमें तब रियलाइज़ होगा कि हमारे पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है जब दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में हमें वो सेम गुड प्रोड्यूस करने में
कम मटेरियल लग रही है, चीप मटेरियल लग रहा है, कम आवर्स लग रहे हैं, कम कॉस्ट लग रही है, ओवरऑल हमारी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है उस गुड को प्रोड्यूस करने में. और जब हम उसे कंपेयर करेंगे दूसरी कंट्री के हिसाब से, देन वी लेट नो कि हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज उस गुड में ज़्यादा है. वी हैव एन एब्सोल्यूट एडवांटेज ओवर प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट. Now let's understand this theory with the help of a numerical example, rather an illustration. अच्छा, इससे पहले ना एक एग्जाम्पल सुन लो अपना डेली लाइफ बेसिस पे. एग्जाम्पल, अब आपकी दो सब्जेक्ट्स हैं, एक इकोनॉमिक्स एक अकाउंट्स. आपका अकाउंट्स बहुत अच्छा है, जो बाकी लोग दो तीन घंटे में करेंगे आप फटाफट सॉल्व एक घंटे में कर लोगे, बट आपकी इकोनॉमिक्स बहुत वीक है. आपको मतलब समझ उसमें लेट आता है, यू टेक लॉट ऑफ टाइम टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट्स. तो आपके लिए उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, चलो फिर भी आप पढ़ोगे. बट देन यू गेट टू नो कि आपकी फ्रेंड है, उसकी अकाउंट्स बहुत वीक है बट इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, देन व्हाट विल यू ट्राई? अब दोनों में ट्रेडिंग होगी. कैसे ट्रेडिंग होगी? जिसमें दोनों का फ़ायदा होगा, एक की अकाउंट्स अच्छी है एक की इकोनॉमिक्स अच्छी है. तो जिसकी इकोनॉमिक्स अच्छी है वो दूसरे को पढ़ा के उसे अकाउंट्स पढ़ लेगा. तो फ़ायदा क्या हुआ? दोनों को कम टाइम लगा दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए, और दोनों को ही गेन मिला दोनों से आपस में, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ लिया, ये जज कर लिया कि किसकी एब्सोल्यूट एडवांटेज एक सब्जेक्ट में अच्छी है किसकी नहीं. सो आई थिंक यू हैव गॉट द मेन आइडिया फ्रॉम इट. Now let's get into the final one. Now this is a chart which is showing the man hours required to produce 1 unit of wheat and 1 unit of cloth. अब wheat का column देखो. wheat में USA ले रहा है 3 घंटे, India ले रहा है 10 घंटे. कौन ज़्यादा better produce कर रहा है? Right, USA, because it is taking less of hours. अब क्लॉथ में देखते हैं, USA इज़ टेकिंग 6 आवर्स एंड इंडिया इज़ टेकिंग 4 आवर्स. अब कौन अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है क्लॉथ? इंडिया, राइट. फॉर वीट USA टेक्स 3 आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ वीट, वेयर एज इंडिया टेक्स 10 आवर्स. सो USA हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग वीट. For cloth, USA takes 6 hours to produce 1 unit of cloth, whereas India takes 4 hours to produce the same. So India has an absolute advantage in producing cloth. तो अब क्या होगा? अब USA के पास wheat का ज़्यादा अच्छा efficient source of production है और India के पास cloth का. अब दोनों एक दूसरे से trading की कोशिश करेंगे और दोनों का फ़ायदा होगा, world output भी बढ़ेगा. Now let's see कि इनमें ट्रेडिंग होगी कैसे. अब इस पिक्चर में हम ये रिकग्नाइज करेंगे कि ट्रेडिंग इन दोनों में हो कैसे रही है. हाउस इट स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड वुड लीड टू गेन आउटपुट एंड वुड बी म्यूचुअली बेनिफिशियल फॉर द टू कंट्रीज एज शोन इन द बिलो टेबल्स. अभी जो फर्स्ट टेबल है ये तो हमने अभी देखा है, जिसमें हमने ये कंक्लूड करा है कि USA वीट बनाएगा, इंडिया क्लॉथ बनाएगा. अब जब USA खाली वीट बनाएगा तो वो क्लॉथ नहीं प्रोड्यूस करेगा. सो देयरफॉर USA इज़ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स ऑफ वीट. इंडिया की जब एब्सोल्यूट एडवांटेज क्लॉथ में है तो वो खाली क्लॉथ बनाएगा, वीट वो नहीं बनाएगा. सो इंडिया इज़ मेकिंग 2.5 यूनिट्स ऑफ क्लॉथ. बट ये 2.5 कैसे आया सोचो. 4 आवर्स में वो 1 यूनिट बना रहा था, तो वो 10 आवर्स में कितने यूनिट्स बनाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 4, 2.5 ऐसे आया. और इस चीज़ से हमारा क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा टोटल वर्ल्ड आउटपुट बढ़ गया थ्रू 1 यूनिट ऑफ वीट एंड 1.5 यूनिट ऑफ क्लॉथ. USA specializing in wheat makes 2 units of wheat. India specializing in cloth makes 2.5 units of cloth. It will result in the net gain of 1 unit of wheat and 2.5 units of cloth, and both countries will gain from trade. अब absolute advantage recognition के वजह से अब दोनों countries gain कर रही हैं.
both gain from trade. USA export karega wheat, India export karega cloth. USA will import the cloth from India and India will import the wheat from USA. In this way, both will trade with each other and will have a gain from this international trade. Recognize from absolute advantage production of a certain good by each country. Significance of absolute advantage theory. ये बेसिक सा ही है कि मतलब अगर हमारी दो कंट्रीज़ में ट्रेडिंग हो रही है तो उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे. बहुत सारे होंगे बट दीज आर द मेजर वंस, लाइक मोर क्वांटिटी ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स. अभी हमने पढ़ा था कि इस ट्रेडिंग की वजह से ओवरऑल वर्ल्ड आउटपुट बढ़ जाता है, जैसे कि 1 यूनिट ऑफ व्हीट एंड 1.5 यूनिट ऑफ क्लॉथ बढ़ गया था. इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज प्रोडक्शन एफिशिएंसी, इंक्रीज इन ग्लोबल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्लोबल प्रोडक्टिविटी एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्टिविटी. सो दिस वाज ऑल अबाउट एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी. आई होप यू ऑल हैव गॉट एट लीस्ट द क्रक्स. इफ़ यू वांट टू नो फर्दर अबाउट द कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, यू वांट टू कंटिन्यू दिस टॉपिक, यू कैन कॉमेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.